सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत पाठ लखनवी अंदाज के लेखक यशपाल जी का जन्म पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इन लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए की शिक्षा ग्रहण की। वहीं इनकी मुलाकात भगत सिंह और सुखदेव से हुई। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें अनेक बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। यशपाल जी ने अपनी ये रचनाएं विविध रूप में प्रकट की हैं। उनके कुछ प्रमुख कहानी संग्रह हैं, जैसे पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, ज्ञानदान, सच बोलने की भूल। इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे, जैसे तेरी मेरी उसकी बात, पार्टी कामरेड और झूठा सच। यशपाल जी यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। इनकी भाषा में स्वाभाविकता, सजीवता और रचनात्मक विशेषता देखने को मिलती है। प्रस्तुत पाठ लखनवी अंदाज में लेखक यशपाल ने ऐसे नवाब को अपना विषय बनाया जो लेखक के सामने अपनी नवाबी का प्रदर्शन करते हुए खीरों की फांकों को खाने की जगह सूंघ कर उनका रसा स्वादन करता है और सूंघते हुए खीरों की एक एक फांक को खिड़की के बाहर फेंकता जाता है। ऐसा करके वह डकार लेकर तृप्त होने का नाटक भी करता है। उसके इस व्यवहार से लेखक सोचता है कि इस तरह तो बिना कहानी, घटना, विचार और पात्रों के एक नई कहानी लिखी जा सकती है। लेखक सेकंड क्लास में यात्रा करना नहीं चाह रहा था, फिर भी यह सोचकर कि भीड़ से भी बच जाएगा, कहानी के संबंध में भी सोच सकेगा और प्राकृतिक दृश्य खिड़की से देखने को भी मिल जाएंगे, अतः उसने सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी या यूं समझे कि भागकर सेकंड क्लास के डिब्बे में लेखक चढ़ गया। लेखक को अनुमान था कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन उसने देखा कि एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी अंदाज में एक सफ़ेद पोश सज्जन पालथी मारे बैठे हैं, जिनके सामने तोले पर दो चिकने खीरे रखे हुए हैं। लेखक का सहसा आ जाना नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा। लेखक के डिब्बे में आ जाने पर नवाब साहब ने कोई रुचि नहीं दिखाई। लेखक ने भी अपना परिचय देने का कोई प्रयास नहीं किया और लेखक ने अपनी आंखें चुरा ली। लेखक अपने सामने बैठे नवाब साहब के बारे में सोचने लगे कि नवाब साहब ने किफ़ायत की दृष्टि से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा कि कोई सेकंड क्लास में सफ़र करता हुआ उन्हें देखे। सफ़र का वक्त काटने के लिए शायद उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। लगता है उन्हें किसी के सामने खीरा खाने में संकोच लग रहा होगा। नवाब साहब खिड़की से बाहर देखते रहे और स्थिति पर विचार करते रहे। अचानक उन्होंने लेखक से खीरा खाने के लिए कहा। लेखक को भी नवाब साहब का यह भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा और लेखक ने शुक्रिया कहते हुए कहा कि कृपया आप ही खाएं। नवाब साहब कुछ देर और खिड़की के बाहर देखकर और कुछ निश्चय करके नीचे रखे पानी से भरे लोटे से खीरे को धोकर तौलिए से पोंछकर और उन्होंने जेब से एक चाकू निकाला, उन खीरों के सिरे काटे, गोदे झाग निकाला और उनकी फांके काटकर तौलिए पर बड़े करीने से रखा और उनकी फांके काटकर तौलिए पर बड़े करीने से उन्हें रखा। फिर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी भी बुरक दी। लेखक उनकी यह भाव भंगिमा और खीरा काटने की यह तैयारी कनखियों से देख रहे थे। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने पर ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर एक बार तो लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन पहले इनकार कर चुके थे, इसलिए कुछ सोचकर आत्मसम्मान रखते हुए लेखक ने मना कर दिया। नवाब साहब ने नमक मिर्च लगी खीरे की फांकों को एक एक करके होठों तक ले जाकर सूंघा। स्वाद के आनंद में उन्होंने पलकें मूंदी, मुंह में भर आए पानी को गले में उतार लिया और फांकों को फिर एक एक करके सूंघकर बाहर फेंकते गए।
इस तरह खिड़की से बाहर फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से होठ और अपने हाथ मुसकर अपनी गुलाबी गर्व से भरी आंखों से लेखक की ओर देखा और फिर अपनी सीट पर लेट गए, मानो इस काम में वे बहुत थक गए हों। लेखक नवाब साहब की सारी प्रक्रिया को देखकर सोच रहे थे कि खीरों के प्रयोग की नई प्रक्रिया अच्छी जरूर कही जा सकती है, किंतु क्या इस तरीके से पेट की तृप्ति हो सकती है। इसी बीच नवाब साहब को डकार आई और लेखक की ओर देखते हुए कहा, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। नवाब साहब की डकार से लेखक की ज्ञान चक्षु खुल गई और सोचा, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से यदि पेट भर कर डकार आ सकती है तो क्या बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से ही नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती है। इस पाठ के द्वारा लेखक बताना चाहते हैं कि हमें दिखावटी जीवन शैली को त्याग कर वास्तविक जीवन को अपनाना चाहिए, झूठी शान दिखाने की आदत छोड़ देनी चाहिए। धन्यवाद।